अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। एमएलसी चुनाव मतदान जारी है। जहां इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए यूपी के फतेहपुर जिले के 14 केंद्रों में मतदाताओं द्वारा वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के जिले के 3,252 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं शांति और निष्पक्ष चुनाव की कराने के लिए जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। जी ठीक है मैडम, वोट क्या काल क्या है? यस सर। जी कैसा उत्साह दिखा लोगों की? काफी उत्साहित हैं लोग और लाइन में लगे हुए हैं डालने के लिए जी, अपने मनोनीत कैंडिडेट के लिए जी। महिलाओं क्या रुझान दिखा वहाँ पर? महिलाएं भी उतनी ही है जितने जेंट्स हैं सर जी, वो भी काफी जागरूक हैं डालने के लिए वो जी। जी क्या लग रहा है चुनाव? सर ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, तो ये कैसे मैं बता दूँ सबके सामने। क्या नाम है आपका? ऋचा पांडे सर। हमारे जनपद में 14 मध्य स्थल हैं और कुल वोटर हैं 3,254। ठीक है, इसमें सभी बूथों पर स्टेटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सभी बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और सभी बूथों पर वीडियोग्राफर लगे हैं। कंटिन्यूस वीडियोग्राफी होगी और पुलिस फोर्स पर्याप्त है। आधा सेक्शन PAC सब जगह है और पुलिस बल पर्याप्त है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। इसमें मतदान कितने बजे तक चलेगा, क्या टाइम? ये 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा इसमें। और मतदान के पश्चात यही पोलिंग पार्टी आएगी, मतपेटियाँ इकट्ठी होगी, फिर झांसी जाएंगी। क्योंकि RO कमिश्नर साहब झांसी हैं तो वहाँ जमा होंगे। इसमें हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।